हेलो दोस्तों, आज मेरा मन हुआ आलू की सब्जी बनाई जाए, लेकिन रेगुलर बेसिक सब्जी से अलग तो सोचा क्यों ना कश्मीरी दम आलू बनाए। तो फिर शुरू किया मैंने, सोचा चलो बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कितने मसालों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ये मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्ची ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं, बेसिक मसाले लिए हैं, और ये दही है। दही में सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, यही बेसिक मसाले, और बस इसको एक तरफ रख दिया है। अब आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से 3-4 सीटी लगाकर बॉईल करके छील लिए हैं। आटे की सहायता से इन्हें छेद कर लिया है इनमें, ताकि मसाला अच्छे से भर जाए। आलूओं को लिया, इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, और इन मसालों में आलूओं को अच्छे से कोट कर लिया है। कोट करने के बाद अब हम इसे सीधे फ्राई करेंगे, ताकि इसमें अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सुनहरे हो जाएंगे, और सुनहरे होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। अब मसालों में हमने दो दो टमाटर जो लिए थे उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और इसे धुआंधार गर्म करेंगे, और सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इन देखिए इन मसालों का क्या हाल है, बढ़िया अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये मसाले। और बस ये मसाले फ्राई होने के बाद अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और इन टमाटरों को अच्छे से पकने देंगे। देखिए क्या हाल है इन टमाटरों का, कितने अच्छे से पक रहे हैं। और चलिए टमाटर को पकने देते हैं, इन्हें अच्छे से कूट कूट के बिल्कुल मैश कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दही का मिक्सचर जिसमें मसाले मिले हुए थे, इसको भी डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए अपना पानी छोड़ दिया है दही ने, फ्राई आलू में हरी मिर्ची मिक्स कर ली है, और बस अब हमारा मसाला पक रहा है। अभी इसे पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसमें पानी है, दही अभी पका नहीं है। जब तक ये पकता है, जब तक हम देखते हैं क्या करना है हमें और आगे। इस सब्जी की खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं, और दूसरा इसमें मसाले भी बहुत कम यूज़ होते हैं, जैसे कि प्याज का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये सब कुछ भी नहीं लगता। चलिए हमारा मसाला भुन चुका है, अब कितने अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इन फ्राई आलूओं को इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से खूब बढ़िया से चलाएंगे, ताकि ये एक दूसरे से आपस में दोस्ती कर ले, मिल लें आपस में, अच्छे से मिल जाएं। और बस अब देखिए ये मिल गए हैं, हमें अपने हिसाब से पानी डाल देना। मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला है, ताकि ये आपस में अच्छे से पक जाएं, और इसके मसाले हैं जो अंदर तक आलूओं के अंदर तक चले जाएं, ताकि इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है मसालों का, खड़े गर्म मसालों का, वो अंदर तक आ जाए। और बस इसमें पानी डालकर हम इसे कम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, और बस फिर पकने के बाद तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से उबल रहे हैं, और बस तेल सेपरेट हो चुका है, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब हम बस कसूरी मेथी डालेंगे और अच्छे से एक बॉईल देंगे बस, और चला देंगे, ताकि इसका फ्लेवर सब्जी में घुल मिल जाए। बस तैयार है हमारी सब्जी कश्मीरी दम आलू की। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कलर कितना अच्छा है, और बिलीव मानिए ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब थी। मैंने तो इन्हें रोटी और चावल के साथ सर्व किया था, आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ भी सर्व कीजिए, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, या नान के साथ, या फिर राइस के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है, वाकई में बहुत टेस्टी है, और सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही ईजी बनने वाली सब्जी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन आलू को बॉईल करने की जगह कच्चे फ्राई करके भी बना सकते हैं सेम मेथड के साथ, ये बहुत ही ईजी मेथड है। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको कैसे लगे। अब देख क्या रहे हैं, जाइए बनाइए, खाइए और बताइए कैसे बने। थैंक यू।